बच्चे का इंटरस्ट, उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स, उसका IQ लैवल, एप्टीट्यूड उसका, इहदा अंदाजा देखो टीचर्स नूं भी हो जाता है जिहड़े डेली बेसिस से इंटरैक्ट करते हैं, इहदा अंदाजा उसके पेरेंट्स नूं भी हुंदा, इहदा अंदाजा वो अपने फैमिली के फ्रेंड सर्कल च भी उन्होंने ईवन आप डिस्कशन करके पता लग सकता है। तो मैं समझदा कि इस चीज़ का जो डिसीजन है वो बच्चे नाल डिस्कशन करन तो बाद पेरेंट्स नूं लेना चाहिए, यह नहीं कि उहदे ते आपां थोप दईए कि तूने यही पर्टिकुलर स्ट्रीम लैनी है। और इसे करके तुसीं देखिआ कि बहुत सारे बच्चे डिप्रैसड हो जाते हैं। वेलकम टू रीसेंट टाइम्स, मैं ममून रशीद हाज़र हाँ अज फिर एक बेस्ट परसनैलिटी और बेस्ट इनफॉर्मेशन के नाल। अज फ्यूचर टॉक प्रोग्राम अधीन असी एक बेस्ट इनफॉर्मेशन लैके आए हैं उन्हां पेरेंट्स वास्ते जो चिंतित है अपने बच्चों के लिए। मैट्रिक के बच्चा जो होंगे, जो मैट्रिक का रिजल्ट आता तो पेरेंट्स सोचना शुरू कर देने कि बच्चे को किस फील्ड के पाना है, की करवाना है। बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, BEd की तैयारी करवाता सी, हज़ार स्टूडेंट पढ़ाता, हज़ार स्टूडेंट सैट है इन्हों का टीचिंग लाइन के। आप इन तो पूछते हैं क्योंकि काफ़ी देर तो इस फील्ड के बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत सारे करियर ऑप्शन देखिया, बहुत उतार चढ़ाव एजुकेशन के देखे इन्होंने। आप गल करते हैं सुशील जी के नाल और पूछते हैं इन्हों कि 10th तो बाद केड़े स्ट्रीम केड़े बच्चे वास्ते सुइटेबल है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन पेरेंट्स वास्ते है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर में लैके चिंतित हैं। आओ मिलवाने थोनों सुशील जी के नाल। सुशील जी वेलकम तुहाडा साडे चैनल रीसेंट टाइम। धन्यवाद जी, थैंक यू। जिमें मामून जी ने कहा रीसेंट टाइम वैब चैनल चलाते हैं तो बहुत इनफॉर्मेटिव और मैं कहूँगा कि एजुकेशनल इन्हों प्रोग्राम्स होंगे हैं जिन्हों का फायदा पेरेंट्स से स्टूडेंट्स स्पेशली जिमें ए वाली सीरीज़ इन्होंने शुरू की, इनिशिएट लिता है। बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे हैं, पेरेंट्स कन्फ्यूज़ होंगे हैं कि 10th तो बाद हुण की करिए, कि सिर्फ मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स ही ऑप्शनस हैं, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप जिहड़ा हैगा आर्ट्स ग्रुप कि नालायक बच्चों लई हुंदा, घट पढ़न वाले बच्चों लई हुंदा, कि मेडिकल सिर्फ जिहड़े जिन्हां दे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं कि उही परस्यू करन, या फिर BTech सारी कर लैन, नॉन मेडिकल सारी कर लैन, क्योंकि सारे कहिंदे कि नॉन मेडिकल ही करानी चाहिए है। तो इस तरह के बहुत सारे जिहड़े मिथ हैं, मिसकनसैप्शनज हैं, मिस इनफॉर्मेशन है, या लैक ऑफ इनफॉर्मेशन मैं कहूँगा ज़्यादातर, वो डलीमा दे विच बच्चों ते पेरेंट्स नूं पा देंदी है, भरम की स्थिति पैदा हो जाती उन्होंने माइंड दे विच। ते मेरे को भी बहुत सारे इस तरह के पेरेंट्स आते हैं जिहड़े पुछते हैं कि 10वीं तो बाद जी की करवाइए बच्चे को। तो मैं उन्होंने हमेशा ही कहना कि इहदा कोई डायरैक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के उत्ते। अगर असी स्पेसीफिकली गल करिए तो ये असी देखांगे कि बच्चे का एप्टीट्यूड जो सुटेबिलिटी है, वह IQ लैवल है, वह मेंटल एबिलिटी है, वो पर्सनैलिटी के कैसे ट्रेट्स हैं, वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी काउंट होंगे, वह इंट्रस्ट, वह रुझान, इंकलीनेशन किस तरफ है, ये भी काउंट होगा। तो API असी इसनों कह दें टेक्निकल टर्म्स है, ये बहुत जरूरी है बच्चे का इवेल्यूएशन करने। तो हुण तां इन टैक्नीक्स आ गई साइकोलॉजिकल बेस, चंडीगढ़ दे विच, दिल्ली दे विच, बड़े शहरों के जिथे ब्रेन मैपिंग टेस्ट होंगे बच्चे का, जिदे उसकी बेस्ट सुटेबल स्ट्रीम चूज़ करन दे विच बच्चे की मदद की जाती है। उहदे तो साइकोलॉजिकल बेस क्वेश्चनेयर एक दिता जाता है, उहदे आंसर लिते जाते हैं, जिदे तो उसनों पता लग जाता एग्जामिनर नूं, कंसल्टेंट नूं, कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, किहड़ी इहनूं जिहड़ी स्ट्रीम है सूट करेगी। क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि जिधर पैशन होए बच्चे का, इंट्रस्ट होए बच्चे का, तो उहदे च ही वह बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दे सकदा है। तो एक तो यह गल है कि कदे भी बच्चे नूं आपां फोर्स ना करिए कि तू मैडिकल ही करना, तू नॉन मैडिकल ही करना, तू कॉमर्स ही करनी है, तू आर्ट्स ही करनी है। तो पहला तो मैं समझता कि ये लैसन मैं अपने करियर के दौरान सीखा। दूसरी गल कि जो मैनू लगता है इस सीरीज़ का जो मकसद ममून साहब नाल डिस्कस होया मेरा, वो ये कि नॉर्मली लगता है बच्चों को कि मैडिकल नॉन मैडिकल ले ली, प्लस टू तो बाद मान लो उन्होंने जिथे वो चाहते सी उत्थे एडमिशन नहीं हुई उस तरह इंस्टीट्यूट के MBBS की सीट नहीं मिली, या IITs के नीट के सानू नॉन मैडिकल करन तो बाद सीट नहीं मिली, तो कि ये करियर उन्होंने स्पॉयल हो गया, कि उन्होंने लगता है कि असी गलत डिसीजन ले लिया, या फिर वो जिथे कमर्शलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स ने उत्थों अपनी डिग्रीज़ करते हैं नॉन मैडिकल दियाँ, उस तो बाद लगता कि शायद इंप्लायबिलिटी प्रॉब्लम आती है। तो मान लो मेन स्ट्रीम्स ने कॉमर्स की स्ट्रीम है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, ह्यूमैनिटीज़ है, तो ये एपीसोड का मकसद की है कि जो नॉर्मल जानकारी है पेरेंट्स को
कि आ वाले कोर्सेज है, मान लो कॉमर्स के बच्चा बी कॉम करेगा, बच्चा एम कॉम करेगा, या बच्चा एम बी ए कर सकता है, ठीक है, या फिर बच्चा सी ए कर सकता है, सी एस कर सकता है, आई सी डब्ल्यू कर सकता है, कि इसके अलावा भी कुछ कर सकता है, कि प्लस टू मेडिकल तो बाद एम बी बी एस ही कर सकता है, बी डी एस ही कर सकता है, कि कोई होर पैरामेडिकल के कोर्सेज नहीं है, कि कोई होर जनरल कोर्सेज नहीं है। तो ये जो मकसद है इस एपीसोड का कि वो डिटेल्ड जानकारी जिहड़ी आम तौर पर पेरेंट्स नूं नहीं हुंदी, बच्चों नूं नहीं हुंदी, उन्हां नूं प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि वह एक वास्ट रेंज ऑफ जिहड़े कोर्सेज है उहदे चों अपना कोर्स चूज कर सकन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्लीनेशन, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। तो मैं चाहूँगा कि ये अलग अलग स्ट्रीम रिलेटिड जिहड़े साडे कोल वास्ट ऑप्शनस ने उन्हां ते अगर एक एक एपीसोड असी डेडिकेट करिए तां बहुत डिटेल दे विच असी सारियां स्ट्रीम्स दे विच जिहड़ियां इस टाइम एग्जिस्टेंट अपनियां ऑप्शनस ने, एग्जिस्ट करदियां ने ऑप्शनस, उन्हां ते आपां डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। जी अज जे मैं गल करां तीन स्ट्रीम्स, असी तो तीन ही कहते थे, हुण तुसीं उन्हों चार कहने हो कि मैडिकल दीआं दो स्ट्रीम्स हैं और ह्यूमैनिटीज़ होगी तो कॉमर्स होगी। सर इस तो ये तुसीं किवें, मतलब तुहानूं लगता है कि किवें चूज़ करना चाहिए बच्चे नूं अपना ऑप्शन, और पेरेंट्स नूं किवें मतलब पता चलूगा कि मेरा बच्चा किस स्ट्रीम दे विच जाना पसंद करता है? देखो ये वही गल है कि ऑब्जरवेशन जिहड़ी हैगी है, जिवें मैं तुहानूं शुरू च कहा कि ए पी आई बच्चे का इंट्रस्ट, उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स, उसका आई क्यू लैवल, एप्टीट्यूड उसका, इहदा अंदाज़ा देखो टीचर्स नूं भी हो जाता है जिहड़े डेली बेसिस से इंटरैक्ट करते हैं, इहदा अंदाज़ा उसके पेरेंट्स नूं भी हुंदा, इहदा अंदाज़ा वो अपने फैमिली के फ्रेंड सर्कल च भी उन्होंने ईवन आप डिस्कशन करके पता लग सकता है। तो मैं समझदा कि इस चीज़ का जो डिसीजन है वो बच्चे नाल डिस्कशन करन तो बाद पेरेंट्स नूं लेना चाहिए, ये नहीं कि उहदे ते आपां थोप दिए कि तुमने यही पर्टिकुलर स्ट्रीम लैनी है। और इसे करके तुसीं देखिया कि बहुत सारे बच्चे डिप्रैसड हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जिहड़े हैगे ने उह सुसाइड भी कर लैंदे ने। तां इह चीज़ां तों बचण दे लई इह बेस्ट चीज़ है कि तुसीं पहलां बच्चे का रुझान उहनां नाल डिस्कशन करो, उहनां दा रुझान चैक करो, उहनां दी मैंटल कपैसिटीज चैक करो, उहनां दे पर्सनैलिटी दे ट्रेट्स चैक करो। हुण बच्चा मान लो मैथ्स तों घबरांदा, उह एवरेज है मैथ्स दे विच, तो तुसीं उन्हें नॉन मेडिकल लैके दे दी तो नैचुरली वो बर्डन फील करेगा, ठीक है। बच्चे का इंट्रस्ट है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, मान लो अपलाइड आर्ट्स के बच्चे इंट्रस्ट है, वो म्यूजिक नूं पसंद करता है, वो पेंटिंग पसंद करता है, तुसीं उन्हें कहते हो कि नहीं ये तो फील्ड्स नहीं है कोई, ये तो कुछ बनना नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छिया फील्ड्स ने, ये उस तरह के फील्ड्स ने कि सैल्फ इंप्लॉयमेंट बहुत अच्छी है और बहुत रिनाउंड हो एक पर्सनैलिटी बन सकता है। तो हर इंट्रस्ट जिहड़ा हैगा वो परस्यू किया जा सकता है थ्रू सम कोर्स। तो उही जिहड़े कोर्सेज ने जिहड़े आम तौर पर नहीं पता पेरेंट्स नूं, वो कोर्सेज बारे आपां डिटेल डिस्कशन करांगे आने वाले एपीसोड्स में। अच्छा सुशील जी, इत्थे एक गल मैनूं इह दस्सो, तुसीं जो लैक ऑफ गाइडेंस है, लैक ऑफ गाइडेंस करके तुसीं अपने करियर दे विच कुछ इस तरह देखिया कि बच्चा बनना कुछ चाहुंदा सी पहुँच किते गया होवे, मतलब गड्डी होवे उहो पहुँचना चाहुंदा सी लुधियाणे पहुँच गया धूरी, इस तरह का कदे कोई फील किया तुसीं, महसूस किया कदे कोई केस आया होवे तुहाडे ध्यान च? देखो ये तो अक्सर ही हुंदा, ये तो बहुत नॉर्मल गल है कि बिना सोचे समझे बिना प्लैन तो पेरेंट्स कोई स्ट्रीम चूज़ कर लेंदे ने, या बच्चे चूज़ कर लेंदे ने कि मेरे सारे फ्रेंड्स आ पर्टिकुलर स्ट्रीम च जा रहे हैं तो मैं भी यही करना, और उस तो बाद उसनों शायद दो साल बाद अपना प्लस वन प्लस टू करने तो बाद लगता है कि नहीं ये मेरे लिए सूटेबल जो सूटेबल स्ट्रीम नहीं सी, या मैं ये सूटेबल नहीं है। तो ये अक्सर हुंदा कि लैक ऑफ गाइडेंस जिहड़ी हैगी है वह बच्चे नूं गलत स्ट्रीम चूज़ करन दे विच उसनों लै जांदे, उस तरफ लै जांदे। बाकी एक गल सर इतने मैं होर दसो, तुम इन केस अगर कोई बच्चा चाहता है गाइडेंस वास्ते या पेरेंट्स चाहते हैं गाइडेंस वास्ते, कि वो थोड़ा मिल सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल मिल सकते हैं। टीचिंग तो मेरा पैशन है और काउंसलिंग मैं तो समझता कि सोशल सर्विस ही तरह, तो ये आप जिमें मैं आप डिस्कशन की पहल कि रीसेंट टाइम के थ्रू या फिर मेरे तो डायरैक्ट मेरा नंबर भी तुम दे सकते हो, तो आई एम ऑलवेज ओपन, ऑल आर वेलकम, और मैं ये कोई फीस नहीं लेंदा किसी को, तो अपने बच्चों की तरह मैं समझदा कि उस तरह के मैं वो मैंटैलिटी समझदा बच्चों के पेरेंट्स जो होंगी है जो उन्होंने बच्चे टेंथ कर रहे होंगे ने या प्लस टू कर रहे होंगे ने, तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रैशर फील करते हैं उन्होंने करियर ऑप्शनस चूज़ करने के लिए। तो मैं चाहना कि वो अगर कोई पॉजिटिव रोल सारू स्टडी सर्कल प्ले कर सकता है रीसेंट टाइम के थ्रू कर सकता है, तो यह बहुत अच्छे काम होएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, बहुत अच्छी नॉलेज दी, और असी कोशिश करांगे कि ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चे इस एपीसोड नूं देख के तुहाडे तक पहुँचन और पहुँच के वो गाइडेंस लैन, उन्होंने पेरेंट्स उन्होंने मिलन, तां जो वो एक सही डायरेक्शन के उपर जा सकन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी मामून जी।
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੋਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।